एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मक्की की रोटी, और वो भी इतने आसान तरीके से कि हर आदमी जो आज कहते हैं ना कि हम रोटी नहीं बना सकते, तो वो भी आसानी से बना लें। उसके लिए हमने लिया है एक कटोरी आटा, एक कप या एक कटोरी जो भी आपके पास है वो ले लें। उसी से मेजर करके हमने ले लिया है ये पानी, जिसको हमने गर्म करना रख दिया है। एक कटोरी ही हमने पानी लिया है, और जैसे ही इसमें उबाल आता है ना, हम ये आटा डालेंगे। अब ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये आटा और इसको जल्दी से मिक्स करेंगे। गैस को ऑफ कर देंगे, आटे को मिक्स करेंगे इसके अंदर। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। अगर आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल के खाते हैं तो इस समय पानी में आप नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालती हूं। तो ये देखिए, जैसे हमने इसको ये मिक्स कर लिया ना, तो ये हल्का सा कैसा हो गया है, दानेदार हो गया है। अब हम इसको इसी स्टेज में ना बहुत ज्यादा नहीं मिलाएंगे और 2-3 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 3 मिनट हो गए हैं इसको ढके हुए, और देखिए हल्का गर्म ही, हमें ज्यादा ठंडा नहीं करना है। और इसको अब हम निकाल लेंगे इसमें परांठ में, जो भी आपके पास बड़ा बर्तन है उसमें आप निकाल लें इसको, और हल्का गर्म ही आप इसको ना हाथ से मस लेंगे ऐसे करके। इसमें और पानी नहीं डालना है, इसको हल्का गर्म ही आप ऐसे हाथ से अच्छा सा चिकना करेंगे। आप देख रहे हैं ना, देखिए कितने अच्छे से जुड़ रहा है। तो इसमें ना गेहूं का आटा डालने की जरूरत है, कुछ भी नहीं हमें डालना है, और बस हम इसको ऐसे इतने अच्छे से इसको ऐसे मथेंगे, चिकना करेंगे। 2-3 मिनट आप इस आटे को गूंथिए। अब देखिए ये आटा लग रहा है ये गेहूं का है कि मक्की का है, कलर से आप जरूर पहचान पा रहे होंगे, बट स्मूथ देखिए कितना है ना, हाथों को लग रहा है थोड़ी देर में इतना अच्छा हो गया है। और अब मैं आपको इसको बेल के दिखाती हूँ। अब हमें जितनी बड़ी रोटी बनानी है ना, उसकी उतनी ही बड़ी लोई ले लेंगे। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं चारों तरफ से कहीं से फटी हुई है, बिल्कुल स्मूथ है। तो अब हम इसे सूखे आटे में डस्ट करेंगे एक बार, जैसे आप गेहूं की रोटी बनाते हैं ना उसी तरह से। और अब इसको हम बेलेंगे। अब ना आपको प्लास्टिक की जरूरत है, ना आपको सोचना है कि कैसे बनाना है। हर आदमी, हर घर में कोई बॉय भी बना सकता है। ये देखिए है ना अच्छी रोटी। एक और रोटी मैं आपको बेल के दिखाती हूँ, और ये मैं इस तवे पर रोटी सिकने के लिए डाल देती हूँ, तब तक दूसरी बेलती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से बिल रहा है। मोटी पतली आपको जितनी रखनी है ना, ये आप पे डिपेंड करता है, बट हमने इसको ना ज्यादा मोटा रखा है ना पतला रखा है। अब हम रोटी को पलट लेंगे। देखिए इधर से थोड़ा थोड़ा हल्का निशान आ गया है। अब हम दूसरी तरफ से भी इसको सिकने देते हैं, और आप देखेंगे रोटी ने फूलना शुरू कर दिया है ना जबरदस्त रोटी। साइड से मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए फूल गई है रोटी। तो कितना, आप तवे पर भी इसको सेक सकते हैं और नीचे भी सेक सकते हैं। तो मजेदार रोटी बनाने के लिए जरूर ये ट्रिक अपनाइए। अब हम इसको इधर से भी पलट लेंगे, देखिए कितनी बढ़िया ये रोटी है। इस रोटी को निकाल लेंगे और दूसरी रोटी डाल देंगे। ये देखिए है ना आसान तरीका, कितने अच्छे से सीखी है ये। तो अब हम इसको नीचे गैस पे सेकते हैं। ये देखिए फूली फूली रोटी तैयार है, ये देखिए जबरदस्त है ना, मजेदार। तो बनाएंगे ना आप ऐसे रोटी। दूसरी रोटी भी हम बना लेते हैं और इसकी करते हैं प्लेटिंग। ये देखिए दोनों तरफ से ये सिक गई है। आप चाहें तो कपड़े से प्रेस करके इसको इस पे भी सेक सकते हैं तवे पर, और नहीं तो आप नीचे गैस पे बहुत अच्छे से। ये देखिए फूली फूली रोटी बनकर तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। तो ये देखिए प्लेटिंग कर दी गई है, तो बस आपके बनाने की देरी है।